दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये कॉटन का ब्लाउज है। जैसे कि गर्मी सीजन चल रहा है तो ये कॉटन है और इसको मैं विदाउट लाइनिंग स्टिच कर रही हूँ। तो इसमें जो डिजाइन डालूंगी वो एक ही कलर का इसमें डिजाइन डाल रही हूँ। इसमें मैं कोई लेस वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपड़े का ही डिजाइन डालूंगी। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए शोल्डर से ले लें 3 इंच, ये मैंने साइज के अनुसार कट कर लिया है और ये 34 साइज का ब्लाउज है। तो जो डिजाइन आएगी पूरा स्ट्रेट कट होगा, नीचे तक दो पीस होंगे इसके। तो देखिए नीचे भी 3 इंच का निशान लगा लें और एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। अभी हम इस पीस को कट कर देंगे जो नेक है। तो देखिए मैंने कट कर दिया। अगर आपका ब्लाउज लाइनिंग वाला है तो सेम आप लाइनिंग कट कर लें और इसी तरह से उसको भी कट करके और फिर लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर दें पीसों को। और इसके बाद जो मैं इसमें डिजाइन डालने वाली हूँ, जो ये कैनवास निकला है तो इसमें कुछ ज़्यादा डिजाइन की पट्टी कट करने जरूरत ना, स्ट्रेट कट पट्टी करेंगे हम कटिंग जो हमारा ये बचा है, और उसी में 1 इंच चौड़ा कैनवास लेके इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है और इसमें मैंने ये कैनवास भी कट कर लिया है। तो जी कैनवास को मैं इसके अंदर इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे। इसी तरह दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। कैसे स्टिच करना है वो बताऊँगी और उसके बाद जो हम डिजाइन डाल रहे हैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने इसके लिए ये पट्टी कट कर ली है, तो आपको चौड़ाई बताती हूँ कितना चौड़ा मैंने ये कपड़ा लिया है। तो देखिए ये मैंने 4.5 इंच के आसपास इसकी कपड़े की चौड़ाई ली है। तो इसकी क्या है, हम जो डबल फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच का पट्टी तैयार होगा। तो मैंने इसका लंबाई देखी, ये डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में 22 के आसपास है। तो ये जो हमारा एक पीस रहेगा वो 11 11 इंच के, हम इसमें से 4 पीस बनाएंगे और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। तो अभी कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने पट्टी कट की थी, मैंने बताया था इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे, तो मैंने स्टिच कर दिया। अब इसको पलटना है। तो देखिए ये मिडिल में मैंने 4 फोल्डिंग का थ्रेड ले लिया है और इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे। इसको पलटना बहुत ईजी है क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए आराम से पलट जाता है। देखिए इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग, देखिए इस तरह से पलट लेंगे। अभी इसको क्या है प्रेस कर लेंगे हम। प्रेस करने से क्या है ये सेट हो जाएगा। प्रेस इस तरीके से करनी है जो ये सिलाई है ये पीछे सेंटर में आ जाए, तो बाहर की तरफ इस तरह से दिखे। और इसके बाद अभी हमने जो नेक तैयार किया था, बताया था पट्टी, मैंने वो तैयार कर लिया। अभी इसको स्टिच करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया। अभी इसको इस तरह से पलट के और किनारे पर हम स्टिच डाल देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए प्रेस करने के बाद ये सेंटर में सिलाई ले ली है और बाहर की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी इसकी। और इसके अभी मैंने जैसे कि बताया 4 पीस कट कर लूंगी इसमें से। तो देखिए ये पीस भी मैंने नीचे नॉर्मल जैसे पट्टी लगा के फिटिंग करते हैं, जैसे मैंने सेम शेप दे दिया इसमें भी, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। अभी आपको बताती हूँ पट्टी कैसे अटैच करनी है, तो उसके लिए पॉइंट देते हैं। तो देखिए ये पट्टी मैंने 4 पीस कट कर ली है। अभी आपको कैसे सेट करना है वो बताती हूँ। तो शोल्डर से हम इसमें 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं, जो कि हमारा ये 1/2 इंच शोल्डर पर स्टिच में चला, 2 इंच बचेगा। और उसके बाद जो नीचे है, नीचे से हमको कंटिन्यू करना है। तो नीचे से आपको करना क्या है, इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे नीचे वाले को, और जो दूसरी पट्टी है उसको इस तरह से रखेंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से रखना है कि जो हम इसको ऐसे सेट करना चाहें, जब दूसरी साइड में भी ये क्रॉस में ही आएंगी तो इसको क्रॉस में ही हमको ये स्टिच करनी है पट्टी। देखिए तो इस तरह से देख लें कि दोनों साइडों में हमारी क्रॉस पट्टी बराबर से बैठ जाए। तो पट्टियों को ऐसे सेट करें। तो देखिए इसी तरह मैंने ऊपर भी सेट कर दिया है एक ही लाइन में। तो आप देख रहे हैं जो ये पट्टी है हमारी, नीचे वाली पट्टी है वो ऊपर जाएगी और जो ऊपर वाली पट्टी है वो नीचे आएगी। सेम इसी तरह से जैसे आपने नीचे किया है सेम आपको ऊपर ही उसी तरीके से करना है। तो ऊपर भी आपको जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर शोल्डर पर निशान लगाया है तो इसको इस तरह से सेट कर लेंगे पट्टी को। तो देखिए सेम मैंने 2.5 इंच राइट साइड में लगाया, वैसे ही लेफ्ट साइड में भी
लगा लिया था मार्किंग, तो सेम उसी तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से ये पैच हमारा सेट होगा। तो सेम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है और नीचे भी सेम करना है। तो देखिए मैंने ये इसी तरह से आप देख सकते हैं जो नीचे की साइड की है, लेफ्ट साइड में नीचे लगाई है हमने, तो राइट साइड में ये ऊपर आई है, लेफ्ट साइड में जो ऊपर लगी है वो नीचे आई है, और सेम इसी तरह से ऊपर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे एकदम बराबर से आ रहे हैं। तो जैसे मैंने ये 11 इंचज़ की पट्टी ली थी, तो अभी आपको बताती हूँ तैयार में ये कितनी इंच आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा कम ब्रॉड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके 8 इंच का गैप आ रहा है इसमें, जबकि हमने नेक 3 इंच में किया, क्योंकि ये अभी सिल गया है तो अभी ये फैले नहीं। अगर हम सिलते नहीं तो ये और भी ज्यादा फैल सकता था, इसीलिए आप जब कट करें ये ब्लाउज तो 11 इंच या 10 इंच भी लेंगे तो भी चलेगा, 1-1 इंच इसमें अंदर मार्जिन रहेगा, और 8 इंच आपकी ये पट्टी इस तरह से तैयार हो जाएंगी। अगर आप इसको और ज्यादा बेहतर लुक देना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो इसी आसान तरीके से आप ये सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।